हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुचिश रानर बहार। आज मैं आप लोग के लिए एक वीकेंड स्पेशल लंच लेके आई हूँ। वो क्या है? वो है कोलकाता का फेमस मटन बिरयानी। यस, तो आज मैं आप लोग के साथ कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं मटन बिरयानी बनाने के लिए कौन सारी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए चाहिए मटन। मैंने यहाँ पे देखिए 250 ग्राम जैसे मैंने मटन यहाँ पे लिए हैं, ये 250 से ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, चावल है, चावल को मैं आधा घंटा भिगो के रखी थी पानी में, इसको मैं पानी से छान लूँगी। और चाहिए आलू, मैं यहाँ पे 6 बड़े बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। ये बड़े मतलब हाँ मीडियम से थोड़े से बड़े ही हैं। 1 इंच अदरक को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। ग्रीन चिली अदरक है, गार्लिक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 नींबू चाहिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते चाहिए। मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के जो ऑनियन, उसको मैंने ऐसे लंबे लंबे करके काट लिए हैं, इससे मैं बेरिस्ता बनाऊँगी। इसके पहले मैंने जो फिश बिरयानी बनाई थी उसमें भी दिखाई थी बेरिस्ता कैसे बनाया जाता है, तो मैं आज फिर से दिखा दूँगी। ये हमारा सारा होल बिरयानी मसाला, ये है आपका कार्डमम जिसको हम कहते हैं इलायची, छोटी इलायची, वाइट पेपर है, ये है आपका जायफल, ये है आपका बड़ी इलायची, ये है स्टार एनिस, ये है आपका चिनेमोन जिसे हम दालचीनी कहते हैं, ये ब्लैक पेपर है, ये शाहद जीरा है, और ये है आपका जावित्री और कुछ बे लीव्स हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी देख सकते हो, कटोरी मेरा छोटा है, एक छोटे कटोरी यहाँ पे मैंने दही लिए हैं, खट्टे दही हैं। और चाहिए हमें सॉल्ट, केवड़ा वाटर, ये है आपका रोज़ वाटर, ये है आपका मीठा वाटर, मीठा आतर देख सकते हो, मुगले मीठा आतर है ये, कश्मीरी मिर्च पाउडर, दिस इज़ बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर, घी चाहिए और ऑयल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू जो है मैं आलू को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेती हूँ। आलू में थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अच्छा कलर आएगा इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा हल्दी। मैं अच्छे से पोटैटो के जो बॉडी है उसको मैं अच्छे से इसको मैरिनेट कर ले रही हूँ। देखिए पोटैटो सारी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। इसके पहले मैं इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो बिरयानी के जो चावल हैं मैं इसको इसके पानी को मैं बिठा देती हूँ। सबसे पहले मैं एक ऐसे साफ, देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट, एक पतला सा कॉटन कपड़ा, आपके पास अगर ऐसा ट्रांसपेरेंट अगर ना हो तो पतला कॉटन कपड़ा होने से भी चलेगा। इसमें मैं क्या करूँगी, जितने भी सारे मेरे बिरयानी मसाला है बे लीव्स को छोड़ के, बेली इसको मैं बाद में दूंगी, ये सारे मैं इस कपड़े में दे देती हूँ ताकि जो इसके जो मसाले हैं ये सारे चावल में जो जब हम बिरयानी खाएं तो ये मुंह में ना जाए, सिर्फ एक अच्छा एरोमेटिक स्मेल के लिए। ये सारे मसालों को देखिए मैं इसमें डाल दी और इसका मैं एक पोटली बना दूंगी। देखिए कितने अच्छे से एक पोटली बन गई है, ये देख सकते हो, इसको ना मैं बांध देती हूँ। देखिए हमारी पोटली बन गई है, अब मैं क्या करूँगी,
ये देखिए कितने अच्छे से ये मसालों की पोटली बन गई। पानी इसमें मैंने दे दिया है। ये जो पोटली है मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद इस पानी में मैं एक चम्मच ऑयल, एक नींबू का रस आधा नींबू का रस, शीट्स को निकाल देती हूँ। और थोड़ा सा नमक, बस दे करके मैं पानी को उबालने के लिए रख देती हूँ। अब मैं मटन को मैरिनेट करती हूँ। ये जो मैंने दही लिए थे, ये दही में पूरा दही इसमें डाल देती हूँ मटन में। अदरक डाल दी और ये जो लहसुन है लहसुन को भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। ग्रीन चिली डाल देती हूँ, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, हल्दी पाउडर, बिरयानी मसाला में एक बड़ा स्पून का 1 स्पून बिरयानी मसाला दी हूँ इसमें, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए टीस्पून का 1 स्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दी हूँ, और सॉल्ट, ये लेमन। इसमें मैंने हाफ लेमन यूज़ किए हैं क्योंकि हाफ लेमन मैंने राइस में दिए हैं, तो हाफ लेमन एनफ है। मैं जितना मटन ली हूँ उसके लिए हाफ लेमन जो है एनफ है। चलिए दीदी, फिर मैं इसमें 1 बिग स्पून केवड़ा वाटर डाल देती हूँ, और 1 बिग स्पून रोज वाटर डाल देती हूँ, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल दे करके अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर दूंगी मटन को। देखिए मटन जो है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब मैं इस ऐसे ही मैरिनेट करके इसको मैं आधा घंटा, मतलब 20 से आधा घंटा इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। एक पैन में मैं ऑयल ली हूँ, ऑयल मेरी गर्म भी हो गई है। मैं क्या करूँगी, आलू को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। सारे आलू को मैं थोड़ा सा ब्राउन करके मैं फ्राई कर लेती हूँ। पानी देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चावल दे देती हूँ। सारे चावल को मैं अंदर में डाल दी अच्छे से, और ये जो पोटली है देखिए, ये पोटली अभी भी है। ये पोटली जब मेरे चावल अच्छे से पक जाएंगे ना, तब मैं इस पोटली को बाहर निकाल लूँगी।
अब मैं चावल को 80% तक कुक कर लेती हूँ। आलू जो है हल्के हल्के फ्राई हुए हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। चावल में मैं बे लीव्स डालना भूल गई थी, अभी मैं इसमें जो तेज पत्ते हैं इसको मैं भी डाल दी। इससे क्या होगा, तेज पत्ता का जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छे से चावल में आ जाएगा। आलू जो है बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है, अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो मटन में मैरिनेट करके रखी हुई थी उसमें मैं थोड़े से बेरिस्ता जो है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी लेयरिंग के टाइम पे। इसको भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, एक प्रेशर कुकर में ये जो मटन में मैरिनेट करके रखी हुई थी इसको मैं सारा डाल देती हूँ। ग्रेवी के साथ ही इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दी। अब मैं क्या करूँगी, फ्राई किया हुआ जो आलू था इसको भी मैं एक ही साथ प्रेशर कुकर में दे देती हूँ। अब इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ और ज़्यादा पानी मैं इसमें दूंगी नहीं। अब मैं क्या करूँगी, इसको आधा घंटा सीम फ्लेम में रख करके इसको मैं पकाऊँगी। इसको मैं आधा घंटा पकने के लिए देती हूँ, तक हम देख लेते हैं कि चावल हमारा कितना पका है। देखिए चावल भी जो है हमारा ऑलमोस्ट पक चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए चावल बहुत अच्छे से पक गया है, मैं इसको अब पानी से निकाल लेती हूँ। इसके पहले जो है ये पोटली को अब मैं बाहर निकाल दूँगी।
और चावल को मैं छान लेती हूँ। देखिए चावल कितना सुंदर एकदम खिला खिला जो है वो बना है। चावल का मैं कुछ पानी जो है देखिए मैं बचा के रखी हूँ, थोड़ा सा पानी ये जो है बाद में हमारा काम आएगा। अब मैं क्या करूँगी, एक कटोरी में थोड़ा सा मैं दूध ली हूँ, इसमें मैं क्या करूँगी थोड़ा सा केवड़ा वाटर, 1/2 स्पून केवड़ा वाटर, 1/2 स्पून रोज़ वाटर, थोड़ा सा कुछ बूंद मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड करूँगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, इससे क्या होगा ना जो पूरा बिरयानी का उसका स्मेल बहुत अच्छे से ये हो जाएगी। तो मैं इसमें केवड़ा वाटर सिर्फ 5 से 6 बूंद यूज़ की हूँ। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। ये रेडी हो गया हमारा मटन, देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। इसको मैं ऐसे ही बिठा दी थी, अब मैं क्या करूँगी इससे जो आलू है सारा मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से मटन बिरयानी बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी और बहुत इजी प्रोसेस में। ये मैं आपको मटन बिरयानी जो है वो मैं कोलकाता स्टाइल में दिखा रही हूँ, कोलकाता स्टाइल का मटन बिरयानी कैसे बनता है। ये आलू थोड़ी सी टूट गई है। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, जो मटन है मटन को भी मैं निकाल लूँगी। बाकी जो हमारा ये ग्रेवी बचा है ना इसको हम यखनी बोलते हैं। आप देख सकते हो मटन कितना अच्छे से गल गया है। ये यखनी का भी यूज हम करेंगे। सारे मटन को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो मटन हमारा अलग हो गया, देखिए मैं मटन और आलू को यहाँ रखी हूँ और ये जो बचा है ये हमारा बन गया यखनी। तो चलिए अब हम लेयरिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एलुमिनियम का डेक्ची ली हूँ, आप मेरा डेक्ची देखिए। मैं आपको लोग को दिखाना भूल गई कि ये मैं एक बहुत बड़ा सा बिरयानी बनाने के लिए ही मैं ये डेक्ची खरीदी हूँ और इसका ये ढक्कन है, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। एक साथ मैं 10 लोगों का बिरयानी इसमें मैं बना सकती हूँ, ये इतना बड़ा है। सबसे पहले मैं ये देखिए मैं यहाँ पे घी को मेल्ट करके रखी हूँ। तो बहुत जोर से बारिश हो रही है बाहर में, देखिए कितना ज़ोर से बारिश हो रही है। और बारिश के मौसम में मटन बिरयानी अगर बन जाए तो कुछ मतलब ख़ास स्पेशल लंच हो जाता है, वो भी वीकेंड में। तो ये मैं थोड़ा सा घी जो है इसमें मैं नीचे में अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। अब मैं इसको मेरा जो ग्रीस करना हो गया, अब मैं क्या करूँगी हमारा जो ये मटन था, बादल कितना ज़ोर से बादल गरज रही है, ये मटन और आलू को हम इस तरह से नीचे में डाल देंगे। नीचे में डाल दी, अब मैं क्या करूँगी इसमें चावल का एक लेयर दे देती हूँ। सबसे पहले चावल से पहले थोड़ा सा जो मेरा यखनी था इस यखनी को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि जब मैं इसको दम में बिठाऊँ नीचे में जल ना जाए। देखिए मैं नीचे में दे दी, अब मैं इसमें क्या करूँगी जो चावल है आधा चावल मैं इसमें पूरा ही डाल देती हूँ अच्छे से। चावल का लेयर्स दे दी, जो बेरिस्ता है
बिरिस्ता डाल देती हूँ, पुदीने के पत्ते डाल दी और थोड़ा सा बिरयानी यानी मसाला डाल दी और जो घी था घी को मेल्ट करके रखी थी वो घी में डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो दूध देखिए, ये जो मैंने दूध फ्योरा वाटर और रोज़ वाटर और मीठा आटा का जो बनाई थी इसको मैं अब डाल दूँगी ऊपर से। अभी थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, फिर और एक जब लेयरिंग होगा फिर उसमें मैं डालूँगी। फिर इसके ऊपर मैं चावल का और एक लेयर चावल का लेयरिंग दे दी, फिर बचा हुआ जो बिरिस्ता था उसको मैं डाल दी, फिर थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, जो मेरा बाकी बचा हुआ बिरयानी मसाला था थोड़ा सा उसको मैं डाल देती हूँ, और घी। अब मैं क्या करूँगी, जो दूध था वो दूध भी इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। ये हो गया। अच्छा अब मैं देखिए, ये जो यहाँ पे वो चावल का जो पानी था ना, ये चावल का पानी ज़्यादा नहीं दूंगी, बस 2 स्पून मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि नीचे का जो है वो लेयर जल ना जाए। ऐसे मैं साइड साइड करके इसको भी डाल देती हूँ। ये देखिए बस, अब मैं इसको नहीं दूंगी ज़्यादा, ये मेरा लेयर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको दम में बिठा देती हूँ। दम में बिठाने के लिए मैं डायरेक्ट नहीं बिठाऊंगी, नीचे का जल सकता है, तो इसलिए एक मैं नॉनस्टिक का एक बड़ा साइज़ का, देख सकते हो कितना बड़ा है, एक साइज़ का मैं तवा ली हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। ये रहा। अब मैं इसमें क्या करूँगी, डक्ची है, डक्ची को मैं इसमें बिठा दूँगी। ये देख सकते हो ऐसे मैं बिठाई हूँ, और गैस का फ्लेम जो है आप देखो एकदम मैं इसको सीम में रखी हूँ, और इसी तरह से ही इस दम को, इसे इस मटन बिरयानी को मैं 15 से 20 मिनट में इसको दम में 15 मिनट रखने से सफिशियंट होता है, तो 15 मिनट ही मैं इसको दम में ऐसे ही रख दूँगी। 20 मिनट हमारा हो गया है दम में लगाना, मैं इसको खोलती हूँ। देखिए इसको मैं जब सर्व करूंगी तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से ये पक गया, मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर देती हूँ। और बहुत अच्छा खुशबू भी बहुत अच्छा आ रही है। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। तो मेरी ये मटन बिरयानी की रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मटन बिरयानी, ये कोलकाता स्टाइल मटन बिरयानी। तो बहुत जल्द मैं फिर से वापस आऊँगी आपके पास एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।